साथियों, वंस अगेन वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग। दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा अच्छे से कि क्या था ये रहने वाला है, जो वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। आई होप मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर कि क्यूनेट में जो आपके अपने खास होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, दोस्त होंगे, खास दोस्त होंगे, वो आपको इस बिजनेस के अंदर कैसे लेकर आते हैं और कैसे लेकर आ चुके हैं बहुत सारे लोगों को, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। आई होप ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी दोस्तों तो और लोगों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम बेस्ट से बेस्ट वीडियो ले लाने की कोशिश करता हूं, हर एक स्कैम के बारे में बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप उस स्कैम से बच सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा दोस्तों इनका, सबसे पहले क्या होगा कि आप अपने दोस्त को क्या है फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए आप उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, क्योंकि आपने उसकी पिक्स देखी होंगी सोशल मीडिया के साथ, क्या चीज़ें होने लगेंगी धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि कैसे क्या आपके दोस्त, आपने बहुत सारी पिक्स देखोगे सोशल मीडिया पे, कभी फेसबुक पे बहुत सारी पिक्स देखी होंगी, तो आप भी यार सोच रहे होंगे कि मेरा दोस्त कितना अच्छा काम कर रहा होगा, अच्छा बिजनेस कर रहा होगा, तो आपको वो अपने ट्रस्ट में लेकर आएगा। जैसे आप उसके ट्रस्ट में चले जाओगे, इमोशनली उसके साथ जुड़ जाओगे, तो आप फिर उसकी हर एक बात पर विश्वास करने लगोगे और उसके विश्वास में आके ट्रस्ट में आके जो अपना पैसा उसको दे बैठोगे और फिर आप पछताओगे कि अरे मैंने क्या कर दिया। जिंदगी भर आप पछताते रहोगे, आपको आपका जो फ्रेंड होगा ना आपको ऐसे कर्जे में डाल देगा कि आप उस कर्जे में डूबते चले जाओगे दोस्तों। ठीक है, कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो सबसे पहले क्या होगा आपके साथ, क्या बहुत दिनों बाद आप जो उसकी फोटो देखोगे तो आपका कॉन्टैक्ट उसके साथ करोगे, आप उससे बात करने की कोशिश करोगे। जैसे आप बात कर लोगे तो आपको इमोशनली आपके साथ अटैचमेंट बनाने की कोशिश करेगा और आपके हाल चाल पूछेगा वो कि भाई कैसा है, क्या कर रहा है, सब घर परिवार ठीक है क्या नहीं है। ठीक है, बहुत दिनों बाद कॉल किया यार, कहाँ है, क्या कर रहा है आजकल, यार मैं तो जॉब के साथ एक बिजनेस का एक क्या बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो यार जॉब के साथ एक पार्ट टाइम जॉब तो कर ही रहा हूँ, साथ हमें एक पार्ट टाइम जॉब भी करना जरूरी है आजकल। ठीक है ना, आज के डेट में तो ऐसा हम आपको बोलेंगे। नेक्स्ट वो फिर क्या आपसे आपकी इन्फो लेने की कोशिश करेगा आपसे कि आप इस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, करोगे कि नहीं करोगे, तो वो चीज़ें आपके साथ करने की कोशिश करेगा। आपको हफ्ते बाद फिर फ़ोन करेगा, हफ्ते तक आपको फ़ोन नहीं करेगा, फिर हफ्ते बाद फिर आपका कॉल आएगी उसके बाद। ठीक है, फिर आपको ऐसे ही क्या करेगा, आपको कनेक्ट आपको ऐसा तो क्या कंसेप्ट बनाना आपको बताना शुरू करेगा धीरे धीरे किसी चीज़ के ऊपर, उसके बाद आपको फॉलो करेगा दोस्तों, यहाँ पर फॉलो करना स्टार्ट कर देगा आपको। ठीक है ना, कि आपको आप इस बिजनेस के अंदर आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, आपकी उसके बाद डिटेल्स लेना शुरू कर देगा आपसे। ठीक है ना, और लास्ट में आपको वो प्लान दिखा देगा जूम मीटिंग के ऊपर और आप उस टाइम अपना पैसा उसको दे बैठोगे। ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले आपके साथ कनेक्टअप होगा, उसके बाद आपसे इन्फो ली जाएगी, फिर आपको आपकी डिटेल्स ली जाएगी और लास्ट में आपको प्लान दिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको भी सिखाई जाएंगी बाद। ठीक है ना, जब आप इसके अंदर MLM कंपनी के अंदर जुड़ जाओगे, क्यूनेट के साथ स्कैम के साथ जुड़ जाओगे। ठीक है, इसके बाद आपको आठवां क्या है, जब आप इस प्लान को देख लोगे उसके बाद आपसे पूछेगा कि बिजनेस करने का डिसीजन किसका होगा, तो एब्सोल्युटली आप बोलोगे यार मेरा ही होगा। ठीक है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है आपने। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। ठीक है ना, फैमिली से बात करनी है आपने, अपनी फैमिली से डिस्कस करना है इसके बारे में पहले। ठीक है ना, आपने वो डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, इसके बाद आपको प्रेशराइज करेगा यार कि पैसे अभी ही देने होंगे, कितने हैं तेरे पास वो पूछेगा। ठीक है ना, जितने भी है भेज दे, बाकी मैं देखता हूँ। तो आप बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है अभी, बोलोगे कोई बात नहीं मैं लोन आपको दिला दूंगा। ठीक है ना, तो आपको लोन दिलाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर गलती नहीं करना आपने, लोन नहीं लेना दोस्तों, नहीं तो वो कर्जा आप चुका नहीं पाओगे, पहले से कर्जे में रहेंगे और कर्जा ले लोगे तो और डूब जाओगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं कर देनी आपने। ठीक है, उसके बाद आपको बोलेगा जितने भी है भेज दे भाई मुझे, बाकी मैं देखता हूँ। ठीक है ना, अभी आप पूछते रह जाओगे करना क्या होगा, सब बताऊंगा यार एक दिन में थोड़ी सीख जाओगे, बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है, तो जल्दी से पैसे भेज दे, बाकी मैं ट्रेनिंग में हम बात करेंगे। ठीक है, आगे तो आपको ऐसा क्या क्या टाल देगा वो। ठीक है ना, यार बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक दिन में तेरी समझ में नहीं आएगा इसको, आपको बहुत सारे इसके हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत सारी कंपनी इसकी जो ब्रांचेज हैं, तो एक दिन में तेरी समझ में नहीं आने वाला पूरा बिजनेस, तो तू ऐसा कर कि अभी मुझे पैसा भेज दे, बाकी धीरे धीरे तेरे को सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या पता रहेगा दोस्तों यहाँ पर, कि आपका जो पैसा होगा, जो आप पैसा दे दोगे उससे वो कुछ प्रोडक्ट परचेज कर देंगे आपको बिना बताए। ठीक है, आपको बिना बताए वो या तो आपके लिए कोई ट्रिप सेवर खरीद लेगा, ट्रिप सेवर का आपको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे लिए उसने खरीद रखा कि नहीं खरीद रखा। ठीक है ना, ये आप मैंने अपनी मर्जी से आपके लिए खरीद लेगा ट्रिप सेवर। ठीक है ना, ट्रिप सेवर और एक और इसके अंदर वो है जो है दो चीज़ें आपके लिए खरीद सकता है वहाँ पर। ठीक है ना, एक होटल का रहता है इसके अंदर। ठीक है ना, होटल का बुकिंग, होटल जैसे बाहर अगर कोई जाते हैं फॉरन वगैरह में तो उसका वो बुकिंग, वो उसका हमको क्या फ़ायदा है खरीदने से। ठीक है ना, वो आपके लिए यहाँ पर आई कूपन खरीद के रख देगा, तो आई कूपन का एक्सपायर होने का भी उसका डेट होता है, तब तक अगर आप कहीं फॉरन ट्रिप पर जाओगे, फॉरन ट्रिप पर जाओगे कैसे, पहली बात तो दोस्तों ये सबसे बढ़िया जो आप लोगों के लिए खरीद कर देते हैं।
ठीक है ना, आपके पास ना तो पैसा है, आप बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा सा इंतजाम करके पैसों का इस बिजनेस के अंदर आए, ऊपर से आपके लिए उसने और बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी यहाँ पर, ठीक है ना। तो यार आप यहाँ पर पैसा कमाने आए हो या फिर अपना पैसा लुटाने आए हो, मेरी समझ में ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा यहाँ पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका जो पैसा भी यहाँ पर चला जाएगा, ना तो आपको बताएगा कि रिफंड पॉलिसी कितना दिन की है, ठीक है ना। रिफंड पॉलिसी नहीं बताएगा आपको कि 7 डेज की और 30 डेज की है, ठीक है। कि 7 डेज जो है आपका USD के अंदर है परचेज करता है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्या करेगा जो ये ट्रिप सेफर प्लान और ये खरीदता है ये USD के अंदर परचेज करता है, जो कि 7 डेज की वैलिडिटी मैक्सिमम क्या करता है ये खरीदने की कोशिश करते हैं USD में, क्योंकि 7 दिन का पॉलिसी होता है और वो पैसा क्या है आपका 7 दिन के बाद रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि कीनेट की पॉलिसी और गाइडलाइन के प्रॉपर लिखा हुआ है सारी चीज़। इसलिए बोलता हूँ कोई भी कंपनी ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले उसका जो है गाइडलाइन जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों आप, कि उसकी गाइडलाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है प्रॉपरली, तभी कोई किसी भी नेटवर्क कंपनी को आप ज्वाइन करें, ठीक है ना दोस्तों। ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। बाकी यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर कि 30 डेज जो रहता है आपका INR का रहता है, INR जो है इंडियन प्रोडक्ट में अगर आपने परचेज किया इंडियन पोर्टल के ऊपर स्मैजिंग से परचेज किया अगर प्रोडक्ट आपके अपलाइन ने, तो 30 डेज का उसका मनी बैक जो है पॉलिसी रहता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट अगर आपके पास परचेज करके आता है तो प्रोडक्ट को आपने रिसीव नहीं करना है, उसको सेम ऐसे ही रहने देना है और उसको वापस आपने बिहान डायरेक्ट सेलिंग को रिटर्न कर देना है, अपने एक्सेप्ट नहीं करना है, ना ही अपना OTP कोई शेयर करना है, अपने जो आपको कोरियर वाला आएगा उसको OTP भी नहीं देना है, आपने उस कोरियर को अपने वापस कर देना है। और रिफंड के लिए आपने पोर्टल के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो जाके देखिए आप, वहाँ से आपको क्लियरली पता लग जाएगा कैसे आपने रिफंड के लिए अप्लाई करना है, तो वो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपने पैसे को वापस ले सकते हो। हाँ, पैसे तो आने में आपका जरूर यहाँ पर टाइम लगेगा, 4 महीने का टाइम भी लग सकता है, 6 महीने का टाइम भी लग सकता है, 8 महीने का टाइम भी लग सकता है, लेकिन रिफंड आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अभी ED ने क्या किया था, हाल फिलहाल में ही जो है इनके जो ऑफिसेज थे ब्रांचेज थी बेंगलोरी के अंदर वहाँ पर छापा मारा था, जिसके कारण क्या है इनके पास कुछ जो है कैश करेंसी जो है जब्त की गई थी, जिसकी वजह से अभी क्या हो गया है ये थोड़ा रिफंड में जो है देरी हो रही है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी इनकी कैश करेंसी, ये बोलते हैं हम कैश में डीलिंग नहीं करते, लेकिन इनका कैश करेंसी बहुत पकड़ा गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या है अभी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है रिफंड के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है, आपसे जो है एफिडेविट साइन करवा लेती है। तो एफिडेविट आपको साइन नहीं करना है सबसे पहले, ये कोई यहाँ पर अगर आपको कुछ भी OTP भेजते हैं, कोई OTP आपके पास आ रहा है और मांगते हैं, तो OTP आपने बिल्कुल भी नहीं देना दोस्तों, उनको बिल्कुल भी कोई OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है आपने, ये आप बात ध्यान में रख लेना। और ना ही किसी के 100 स्टैम्प पेपर, क्योंकि अगर आप अपने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने साइन कर दिया तो लीगली अपने आपको बचा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी क्या है लीगलिटी के ऊपर अपना काम कर रही है, इसलिए कंपनी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा पाता है, क्योंकि अपलाइन आपको इस बड़े सबसे बड़े धोखे के अंदर रख रहे हैं। तो ऐसे अपलाइन से मैं कहना चाहूँगा कि आप बंद कीजिए सारी चीज़ें, आप सही सही इन्फॉर्मेशन दीजिए कंपनी के बारे में, ताकि कंपनी की ऐसी बदनामी ना हो। और कंपनी में जो लोग भी काम कर रहे हैं अगर पैसे की इतनी भूख है दोस्तों, तो उसके लिए मेहनत करो, ना कि किसी को ऐसे फंसा के इस बिजनेस के अंदर लेकर आओ, ठीक है ना। मेहनत करना है तो तरीके से करो, जिस तरीके से वे ऑफ प्रोसेस बना हुआ है उस प्रोसेस से करो, ना कि किसी को बेला फुसला के और इमोशनली ब्लैकमेल करके जो है इस बिजनेस के अंदर लेकर आओ और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दो दोस्तों, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी अप्लायंसेस क्लियरली हो अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ये मेंशन करें। सबसे पहले तो जो अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देख रहे हो तो उसका आई कार्ड आप जरूर देखें दोस्तों, यहाँ वहाँ पर आई कार्ड मस्ट भी कंपलसरी है, उसका आई कार्ड वहाँ पर, क्योंकि ये मैंडेटरी है जो कि क्यूनेट की गाइडलाइन के अंदर प्रॉपर दिया गया है कि कोई भी अगर प्रेजेंटेशन आपको शो कर रहा है तो उसको अपना आई कार्ड दिखाना मैंडेटरी है आपको, ठीक है ना। अगर वो आई कार्ड नहीं दिखाता है तो वो क्या है यहाँ पर झूठा मतलब कि उसके ऊपर जो है वो प्रेजेंटेशन यहाँ पर शो कर रहा है, ये क्यूनेट की गाइडलाइन के अंदर प्रॉपरली लिखा हुआ है, मेंशन की हुई सारी चीज़ें। तो आप ध्यान से उन चीज़ों को पढ़ें दोस्तों पहले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें, आपके पास आपका IR ID नंबर होना चाहिए, ये आपका जो अप्लाइन है वो जब आपका रजिस्ट्रेशन करता है उसी टाइम वो IR जो नंबर है जनरेट हो जाता है। तो IR नंबर अगर आपका अप्लाइन आपको नहीं देता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, और कंप्लेन कर सकते हो उसकी आप, अगर आपका अप्लाइन अगर आप